खाने के स्तर के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास आपके द्वारा किया गया है, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जो वृक्षारोपण कार्यक्रम है, आदरणीय सुब्रत साहू जी ने कहा कि इकोसिस्टम की पुनर्बहाली, मतलब हम सब ये स्वीकार करें कि इकोसिस्टम बैठ गया है, तो इकोसिस्टम की पुनर्बहाली शब्द के साथ 2021 से जो अभियान शुरू हो रहा है, तो मैं सोचती हूँ कि शायद ये पहला अवसर होगा, नहीं तो हम लोग हर वर्ष वन विभाग के साथ केवल एक ही कार्यक्रम यही वर्ष में पर्यावरण दिवस का ही कर पाते हैं। तो मैं आग्रह करना चाहूंगी अकबर भाई से कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उनके क्षेत्रों में होने वाले जो वन विभाग के कार्य हैं, उसमें यदि हम लोगों के साथ सहयोग लेते हुए कार्य कराएंगे, तो निश्चित तौर पे जो इकोसिस्टम की पुनर्बहाली कार्यक्रम है, उसमें हम लोगों के सहयोग से हमको पता लग पाएगा कि वृक्षारोपण के बाद वृक्ष जिंदा हैं या मर गए हैं। आज जो एक स्वयंसेवी जो स्व सहायता समूह है, ये तखतपुर विधानसभा के खरगहना का समूह है, जो आपसे बात करने के लिए बैठा हुआ है भैया, और वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा आने वाली जो भी योजनाएं हैं, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगी कि सभी जनप्रतिनिधि यहाँ जितने बैठे हैं, सब चिंतित हैं पर्यावरण को लेकर के, और भविष्य में आज एक 5 जून को कार्यक्रम मना करके और फिर अगले वर्ष के 5 जून का इंतजार न किया जाए, और हर दिन हम पर्यावरण बहाली के लिए प्रयास करें, ऐसा यदि हमारी भावना है तो ऐसा सहयोग विभाग से भी मिलेगी, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। वन स्वयं स्व सहायता समूह भी चर्चा करेंगे भैया आपसे। डीएफओ को आपसे आग्रह है, पहले वंदन समिति से बात करा दें, उसके बाद फिर जो जनप्रतिनिधि है, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, विधायक गण हैं और सांसद जी, इनसे भी संबोधन करा दें, तो पहले समिति से चर्चा करा दें। माननीय मुख्यमंत्री जी, जी नमस्कार, जोहार। जन प्रबंधन समिति, जन प्रबंधन समिति खरगहना के तरफ से जय जोहार, जय सेवा, जय जोहार। हम नदी किनारे अर्पा के किनारे में पहले 2 एकड़ जमीन में पिछड़ पड़ के कार्यक्रम रखे हूँ। हमारा वन विभाग से एक सलाह दिए गई हमारे समिति में कि आप मन ला सीसीएच साहब के चक्रीय सहयोग राशि दिए रही, आप मन इन सहयोग करके वृक्षारोपण तरफ दे दू, तो हम पूरा अपन समिति 15 कार्यकारिणी सदस्य है, 15 कार्यकारिणी सदस्य द्वारा सहयोग करके हम वृक्षारोपण के कार्यक्रम ला रखे हम कर फलदायक वृक्ष है, आम है, जामुन है, कटहल है, सीताफल है, अमरूद है, अब है, ये प्रकार वृक्ष भी है। आमा की कौन सी वेरायटी लगा देगा? आमा की कौन सी वेरायटी है और बिही के कौन सी वेरायटी है? आमा आम का पानी है, लंगड़ा है, दसर ही। अच्छा, और अमरूद में? हाँ अमरूद है, अमरूद की भी वेरायटी आ गई ना आजकल। वेरायटी आजकल आ गई है, लेकिन अब लोकल बड़ा वाला है, बड़ा वाला, बड़े साइज वाला है, ठीक है, पीला वाला, पीला वाला, बड़ा वाला यहाँ बाजू, ठीक है, दिल अच्छे से करेंगे आप मेहनत कर रहे हैं। ठीक है भाई, आप मन के ये कार्यक्रम जो संचालित हो रहे हैं, वन जलवायु परिवर्तन के जो वृक्षारोपण के कार्यक्रम है, हम अपन वन प्रबंधन समिति खरगहना के तरफ से आप मन ला बार बार धन्यवाद देते हैं, हम आप मन के शुक्र गुजार हैं, और आप मन के जो भी योजना निकले है, हम पूरा समिति ग्राम वन खरगहना जी जान से एक कार्य में जुड़ दो, और पर्यावरण के प्रति हमें लगाव लेके वृक्षारोपण के लिए तत्पर तैयार रहिए। अभी तक के वन विभाग वाला मन है केवल इमारती लकड़ी लगाए, गांव वाला मन ओकर ध्यान नहीं दे, फलदार वृक्ष लगाबो तो कम से कम ओकर
सुरक्षा भी रही और गांव के हमारे लोग लेकर मतलब फल भी मिले, सेहत भी सुधरी, आमदनी भी बढ़ी, ठीक है नहीं है? है अभी तो बताया ना सीताफल आम है कटहल है, हर सीजन के फल हो गया, सबो सीजन में कुछ न कुछ ये देते रहे, हमारा आमदनी भी बढ़ी और लोग लेकर मन पर साग सब्जी और फल भी बोई, तो हमन ला ज्यादा ज्यादा फलदार वृक्ष लगाना है, काटे मत होगा, सुरक्षा भी हो, ठीक है ना जी? चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। आपने आप धन्यवाद सर, कार्यक्रम के अगली कड़ी में सर बिलासपुर जिले के सम्माननीय जनप्रतिनिधि बन रहे हैं सर, चर्चा से करना चाहेंगे सर। सबसे सबसे संबोधन सर महोदय श्री अधिकार जी सर, सबसे करा दीजिए। हाँ सर, माननीय श्री अरविंद साहब सांसद बिलासपुर सर, मंच पे सर अरुण, चलिए शुरू करिए। एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जी 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 परिवर्तन विभाग द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर में आयोजित इस समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, आदरणीय वन मंत्री मोहम्मद अकबर जी, आदरणीय सुब्रत साहू जी, आदरणीय राजेश तिवारी जी, आदरणीय विनोद वर्मा जी, ये मंच में उपस्थित संसदीय सचिव आदरणीय रश्मि सिंह जी, विधायक गण आदरणीय शैलेश पांडे जी, आदरणीय रजनीश सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय अरुण सिंह चौहान जी, महापौर आदरणीय रामचरण यादव जी, विभाग के सभी अधिकारीगण उपस्थित, जन्मो भाई बहनी मन, वास्तव में अभी तक का वृक्षारोपण और पर्यावरण की चिंता शहर और शहर के आसपास सीमित रही थी, अब ये मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना से निश्चित रूप से गांव में भी जागृति आई और गांव के मन भी वृक्षारोपण करके न केवल अपन आय में वृद्धि करिए बल्कि पर्यावरण के संरक्षण में भी अपन बहुत अच्छा भूमिका के निर्वहन करी। फलदार वृक्ष लगाए मेरे एक दिक्कत आते है कि बेंदरा के मारे परेशान नहीं थे सब, तो बेंदरा क्या कभी जागरूकता करे की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ये अवसर में आप सब ला बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना जी, धन्यवाद सर। जिला सर कार्यक्रम में सर जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय सर अरविंद सिंह चौहान जी सर उपस्थित है सर। सर माननीय विधायक श्री शैलेश पांडे जी भी सर उपस्थित, आदरणीय बड़े भैया, हम सबके मार्गदर्शक नेतृत्व करता माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत सम्मानी श्री भूपेश बघेल जी, बहुत सम्मानी बड़े भैया वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री आदरणीय मोहम्मद अकबर साहब, आदरणीय राजेश तिवारी जी, आदरणीय विनोद वर्मा जी, आदरणीय एसीएस साहब, आदरणीय पीएस साहब, आदरणीय चतुर्वेदी जी और सभी अधिकारीगण यहाँ उपस्थित, माननीय सांसद जी, माननीय बड़ी दीदी लक्ष्मी सिंह जी, आदरणीय अरुण भाई, आदरणीय रजीश भाई, आदरणीय रामचरण भाई, प्रमोद भाई, कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, हमारे सम्मानित जिला पंचायत सीओ साहब, सीसीएफ साहब, डीएफओ साहब, सभी अधिकारीगण और सभी जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित सभी हमारे साथी कांग्रेस के नेता भैया, मैं आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने जब से छत्तीसगढ़ की कमान संभाली है तब से ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रकार से आपने आर्थिक व्यवस्था का और सुदृढ़ीकरण किया है और जिस प्रकार से किसानों की नर्मदा गृहबाड़ी और गोधन न्याय योजना से आपने गांव वालों को समृद्ध किया है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज आपने जो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना आपने लागू की है, मैं समझता हूं कि ये देश में पूरे देश में एक अनोखी पहल है और इस प्रकार से कोई भी राज्य जो है प्रोत्साहन करके ग्रामीणों को जो है प्रोत्साहित करके इस प्रकार से आर्थिक सहयोग भी हमारी सरकार दे रही है, ये शायद मैं समझता हूं पहली बार है। माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय
अकबर भाई से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पर्यावरण को बचाना, हम लोग हर वर्ष हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों पौधे लगाते हैं और पर्यावरण को बचाने का हमेशा प्रयास करते हैं। इस प्रकार से जन प्रतिनिधिगण जनता के प्रतिनिधि बनते हैं। मैं समझता हूं कि अगर हमारे प्रदेश में भी एक कानून बनाया जाए जिसमें वन प्रतिनिधिगण अगर बनाया जाए तो और भी अच्छा हो सकेगा और आने वाले समय में उनको पर्यावरण को बचाने में ये एक अलग से फौज बनेगी, सेना बनेगी और प्रतिनिधि बनेंगे जिससे कि और भी अच्छा काम हो सकेगा। आपने इस ओर में जो कार्य किया है, जो प्रोत्साहन दी है और योजना बनी है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय वन मंत्री जी, धन्यवाद। सर माननीय श्री रजनी सिंह विधायक बोलतरा जी, आज के मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री, हमारे सम्माननीय वन मंत्री जी के बहुत हार्दिक स्वागत करत हूँ। बधाई तो आखिरी में बोल रहा हूँ मैं, स्वागत एक आध वर्ग माननीय मुख्यमंत्री जी। अभी हम आप गोठान देखा हो अपनी विधान और आज के कार्यक्रम सम्माननीय अधिकारी मन है, सम्माननीय गिरी जी है, कमल जी है, हमारे सांसद रश्मि सिंह जी, आदरणीय शैलेश जी, महापौर सम्माननीय राम शरण जी, अरुण सिंह जी और बेलतरा विधानसभा के बहुत सारे प्रतिनिधि, सरपंच लेकर जनपद के, जिला के पार्षद मन भी हैं और समस्त जिला के अधिकारी मन है, आपके स्वागत है। बहुत ही अच्छा योजना है। बस एक सुझाव ये है कि ये योजना में जो से आप ये बताए हो कि फलदार वृक्ष लगाते एक प्रॉपर रख रखाव की व्यवस्था भी अच्छा हो जाए। दूसरा जो लकड़ी लगाए किसान मन अपन जमीन में उनकर जो प्रकार के प्रजाति है, यदि स्नेह चीज है जो इमारती है गैर इमारती है, परिवहन पर उनका यदि ज्यादा दिक्कत नहीं हो, परलीकरण हो जाए कोई प्रकार के बिना नियम के उल्लंघन कर बिना, तो निश्चित ये योजना सफल रही। आज की योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए आपका बधाई देता हूँ, स्वागत करते हुए और शायद निवेदन एक बार कर देता हूँ। इसे तो निवेदन आप करत रहे नगर निगम क्षेत्र हमारे 5 विधायक के बहुत बड़े हो गए, थोड़ा सा वो करके कृपा दृष्टि कर देता। महापौर जी भी किसान हलकान है, सब विधायक मन भी है, ज्यादा बोले नहीं सके, लेकिन निवेदन है कि थोड़ा नगर कम करती आओ, थोड़ा राशि आए है, बड़े राशि की जरूरत है, बहुत बड़े क्षेत्र हो गए। आज के कार्यक्रम बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आदर नमस्कार। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय प्रणाम, आदरणीय सचिव महोदय अरुण जी, जिला पंचायत के समिति अध्यक्ष अरुण चौहान जी, बेलतरा विधानसभा के सम्माननीय विधायक भाई हरी सिंह जी, आदरणीय कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, उपस्थित सभी वन विभाग के अधिकारीगण, हमारे सभी उपस्थित सम्माननीय पार्षद एमआईसी सदस्य और जिला शहर कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष प्रमोद नायक जी, राजभाव जी, उपस्थित सम्मान नागरिक, यह कार्यक्रम बहुत अच्छा है। खासतौर ग्रामीण अंचल के लोग धान लगाते थे, अब इस वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत धान योजना के अंतर्गत लोग धान लगाते उसमें भी बड़ा मुश्किल 10 लगता था और उसमें वृक्ष बोला ये श्योरिटी रहेगा इसमें ये पैसा तो मिलना ही है, इसलिए लोग अधिक रुकेंगे। क्योंकि नगर निगम में हो भैया, तो एक निवेदन और था, छोटा सा सुझाव, जिस तरह से भैया नगर निगम सीमा में ईटा पत्थर का जंगल तैयार हो रहा है, तो रेरा के माध्यम से जो लोग बड़े बड़े कॉलोनी बनाते हैं भैया, तो हर बिल्डिंग के सामने में एक पौधा अनिवार्य रूप से कर दिया जाए, तो नगर निगम सीमा में इतना अच्छा पौधारोपण हो जाएगा भैया कि हर भरा सहार हो जाएगा। आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। सर अनुष्ठान सिंह अध्यक्ष जिला बिलासपुर, अरुण भाई बोलिए। मुख्यमंत्री भैया मुख्यमंत्री बघेल जी,
मंत्री विनोद वर्मा जी, हमारे यहाँ के संसदीय सचिव रश्मि सिंह जी, शैलेश पांडे जी, रजनीश सिंह जी, हमारे सांसद अरुण जी, कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, सीओ साहब, डीएफओ साहब, सीसीएफ साहब, हमारे महापौर शहर अध्यक्ष प्रमोद नायक जी और उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधि और आप सबको उपस्थित लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ और कौमी निवेदन करता हूँ कि आज हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे अधिकारीगण और हम सब मिल करके ग्राम पंचायतों में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देंगे, जो खाली जमीन है वहां वृक्षारोपण कराएंगे, साथ ही साथ अगर स्कूलों में ग्रामीण क्षेत्र के जो भी शिक्षाएं हैं वहां भी अगर जगह है तो वहां पर भी वृक्षारोपण कराया। आज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी आपकी गोठान योजना जहां पर है वहां पर भी फलदार वृक्ष के संकल्प और आज ग्राम पंचायत जिला पंचायत के माध्यम से हम आपकी योजनाओं को सफल करेंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्र बहुत ही समृद्धशाली होते जा रहा है और आपकी जो सोच किसानों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। आपका इसी तरह की योजना हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा जो कहा जाता था वो खुशहाल प्रदेश के रूप में इसी बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत सम्माननीय जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन एवं जन सहयोग से इस कार्यक्रम को वन विभाग एवं जिला प्रशासन अवश्य सफल बनाएंगे। सर, उन्हें आपका धन्यवाद। सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी, रश्मि सिंह जी, शैलेश जी, रजीश जी, विधायक साथी और महापौर और हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई अरुण जी और साथ ही संगठन से जुड़े भाई प्रमोद जी, हमारे आईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, सभी जनप्रतिनिधिगण और हमारे वन विभाग के सभी मैदानी अधिकारीगण। ये बेहद प्रसन्नता का विषय है कि अभी अर्पा नदी में पिछले महीने ही हम लोगों ने एक महीने के भीतर में दो बड़ा कार्यक्रम, और अर्पा हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, न केवल बिलासपुर के लिए बल्कि छत्तीसगढ़ के लिए, और हम सब भावनात्मक रूप से जुड़े हुए भी हैं। और इस दिशा में जहां अर्पा को पुनर्जीवित करने का काम की शुरुआत हुई है, वहीं अर्पा को सुंदर बनाने के लिए वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। अरुण भाई ने एक बात कही कि बेंद्रा बचाना है, तो भाई बेंद्रा बार खाए पिए रही तब जंगल में खाए पिए रही गांव का आ रहा है, तो हमन वही व्यवस्था कर रहे थे, जंगल में भी फलदार वृक्ष लगाया कहा था, कावर के बेंद्रा मर ला खाए पर जब जंगल में नहीं मिले तो हमारे खेत में आते किसान के खेत में, और ये फलदार वृक्ष लगाबो तो हमारे खेत तो सुरक्षित रही, और हमन किसान है ना, किसान मन है न केवल पौनी पसारी हम ध्यान रखथन, तुम्हें चिड़ै चुरगुन बेंद्रा बहलू सबो हम ध्यान रखथन, तो जेन बात देते तेन किसान के होते, तो वो पै के सबके ध्यान रखे के काम हमारे करना है, तो सरकार भी उसी दिशा में काम कर रहे थे, वृक्षारोपण हम करें। अभी तक के बहुत वृक्षारोपण हुए हैं लेकिन फलदार वृक्ष लगाए के अभियान ऐसा हम शुरू करें, वोकर कारण ये है कि फलदार वृक्ष लगी तो बारह महीना हमारे गांव के हो चाहे शहर के हो, वो लोगन मल्ला ताजा फल मिली, बारह महीना मिली, कुपोषण से भी दूर हुई, दूसरा रोकर से आमदनी भी बढ़ी। और वही पांच दिन योजना है कि जिन मैंने धान छोड़ के दूसरा खेती करी तो 10,000 रुपए प्रति एकड़, यदि आप वृक्षारोपण के 3 साल तक के दिए जाए वो राशि 10,000 रुपए प्रति वर्ष, और उकर साथ साथ जिन पंचायत है जो वो लगा दो ग्रो बड़ी योजना है, किसान बड़ी योजना है, और एक प्रकार से ज्यादा वृक्षारोपण करें, कावर की इमारती लकड़ी वन विभाग लगा देते तो उकर बाद गांव वालों में ध्यान दे नहीं, लेकिन फलदार वृक्ष लगी जेकर से फायदा होने वाला है तो उकर ज्यादा ध्यान रखी। तो हमारी योजना ये है कि जब तक की कोई भी योजना है आर्थिक रूप से लोगों की जुड़ाव नहीं हुई तब तक की योजना सफल नहीं हो, तो पैके ये योजना है, तो नहीं बात फलदार वृक्ष लगा था मुझे अभी हमारे वन प्रबंधन समिति सब साथी मन कहा विषय में सीताफल भी लगाना है, बीही भी लगाना है, कटहल भी लगाना है, आम भी लगाना है, तो सब
प्रकार के वृक्षारोपण हो थे, तो कहते केवल वृक्षारोपण से न केवल पर्यावरण की सुरक्षा हुई बल्कि आमदनी भी हमल्ला मिली और हमल्ला हर प्रकार के फल और सब्जी भी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब जुड़े थे पर बधाई। धन्यवाद सर। और इसके पश्चात हम बकावंड जाएंगे सर, जहां करपावंड में ये वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सीताफल और काजू का रोपण किया जा रहा है। हमारे माननीय विधायक जी वहां पर मौजूद हैं। बकावंड लखेश्वर जी, क्या बिलासपुर कट नहीं रहा, वो जुड़ नहीं रहा, बकाउंट डिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। सर इसके पश्चात सर कांकेर वन मंडल में वन प्रबंधन समितियों एवं जनप्रतिनिधियों से चर्चा करना चाहेंगे सर। कांकेर विधानसभा उपाध्यक्ष जी, हेलो, प्रणाम भैया, प्रणाम, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। वृक्षारोपण कर लिए? अभी 2 एकड़ में किए हैं भैया, आगे तैयारी में आपके आशीर्वाद चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ भैया, आप छत्तीसगढ़ महतारी को जिस हिसाब से सजाने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ के लोगों ला संवारे की कोशिश कर रहे थे, कहीं न कहीं बहुत प्रशंसनीय है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा थे। जैसे पहले आप मन गुरुवाला बनाए की सजाने की कोशिश करे, ढोरगाला जिला नदियां छोटे छोटे नदियां कथन ढोरगा कथन हमें छत्तीसगढ़ में, सिंचाई से लेकर बिजली बिजली से लेकर वृक्ष और मतलब धरती में वाला सजोग कोशिश कर रहा था, उन्हें कोई सबकी बात नहीं हुई है। हर कोई ये सोचते है कि मैं दुनिया के अंतिम व्यक्ति हूँ, चाहे वो कमाए के नाम में हो, चाहे खाए के नाम में हो, चाहे विनाश करे के नाम में हो, कोई विकास करे नहीं चाहे, कोई आगे बढ़ाए नहीं चाहे। आप मन के सोच लो, मैं प्रणाम करता हूँ और ज्यादा तो बोलता जो बोलता हूँ भैया आप मन जानते हो, पर एक चीज मैं सोचित रहे, अभी वृक्षारोपण करते रहे हमन, फलदार वृक्ष लगा थे हमन, आप मन के सोच बढ़िया है। पहले के जमाना में जैसे राम भगवान के 14 वर्ष जो यात्रा हुई, थोड़ा भक्ति हो या कोई मिले नहीं लगते, जैसे सबरी हुआ बेर खिलाई उसने आत्मन जनता अनेक प्रकार के फल खिला के एक जीवन दे के कोशिश कर रहा था, उपनीति करने की कोशिश कर रहा था, आर्थिक रूप से सबल बनाने की कोशिश कर रहा था। इनमें बहुत बड़े आप सब लोग हमर जनता की ओर से, हमन तो नेता है ना, हमर जनता बहुत बैठे है, आप लोग बहुत बहुत बधाई दिया और बहुत बढ़िया सोच है। पर मैं कहते रहे कि 2 एकड़ में भी हमन वृक्षारोपण करे हैं, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमर बड़ पेड़ और पीपल पेड़ से देखे गए थे, तो 2 एकड़ जगह में एक ठीक पेड़ लगना चाहिए मेरे हिसाब से भैया। छैया घर में ही, बढ़िया घर में ही, और चिड़े चुड़बुन के खाए के खेले ज्यादा से ज्यादा बर और पीपल ला खाते हैं, तो कोई बहुत व्यवस्था हो जाए ऐसे सोचते हैं भैया। आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद, अपर घाम लागे बहुत, तो 11 बजे बैठे हैं हम, सांसद भी दिखा थे और उसके बाद वन प्रबंधन समिति बात करना है ना भैया। और दूसरी बात, ऐसे जगह में हमारे वन विभाग के साथी मन वृक्षारोपण करे भैया, काला मिट्टी है और बदली भी आते कि पानी गिरे तो हम निकल नहीं पाले भैया, तो मैं जल्दी जल्दी बैठा ले, ये हमारे सांसद से बात करो। हाँ
आप प्रणाम भैया। प्रणाम मोहन भाई। और समस्त अतिथि मल्लभ भी नमस्कार प्रणाम। बहुत ही अच्छा योजना है भैया आप मन की योजना, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना। ये वृक्षारोपण यदि गांव गांव में हो जाए भैया तो निश्चित रूप से भी कहा थी हमारे साहब साहब है कि बेंद्रा मन बहुत आते करके ये योजना से बेंद्रा भालू मन वो जंगल में रही गांव में नहीं आए और हमारा बहुत रोजगार मिले भैया। पहले हमारे केसकाल घाटी में लिखा रहा है जो नर नारी वृक्ष लगाई सो चारो धाम फल पाई और वो बड़ा अच्छा हमला प्रभावित करे ऐसा बोर्ड भी लगे और गांव गांव में एक जागरूकता फैलाए कि आग मत लगाए। ये बहुत योजना आप मल्ला में धन्यवाद देता हूँ भैया, बहुत अच्छा योजना है और एका से तीन साल तक के हमला 10,000 मिली तो बहुत ही अच्छा है और तीन साल के बाद कुछ मन तो फल भी देने चालू कर देते हैं और बहुत दिन के बाद आप मन से वर्चुअल मुलाकात होती भैया। आप मन तो बुलाओ नहीं मानस में पहले रहे तो साथ में मुलाकात होती रही। अरे कोरोना आप मन तो बुला गए तो आज भी हम कथन भैया अभी आप हम भी आज भी कथन जो न मित्र दुख हो दुखारी तीन कथ पातक भारी तो ऐसे बुलाए से क्या मतलब भैया आप मन बुलाओ नहीं कहीं वर्चुअल मुलाकात होते हैं आज ऐसे लगी मानस मंच में फिर बैठे हैं सांसद विधायक मल कभी रोक नहीं गए। अब बोलो भैया जी धन्यवाद। अच्छा योजना है भैया जी हम ये हमारे अधीन हो जाएंगे पेड़ पौधे है ना पराधीन सपने सुख नहीं देख विचार करो मन माही पर के अधीन रहे में सपना में भी सुख नहीं मिले है नी गांव वाला मन अपन अधीन हो जाए गांव गांव में फल फूल मिली और निश्चित रूप से अकाल भी हुई तो भी फल रहा कभी नहीं फल ऐसी बात नहीं रोजगार मिली। हमारे भतीजा तो उदाहरण दे दिस सबरी के है ना राम को उदाहरण दे दिस अब एक साथ पुनः आप मेरा धन्यवाद देते हुए हमारे मामा जी संसदीय सचिव मैं स्वयं देता हूँ चालक और मामल बता देता हूँ ज्यादा नाम मत ले हमला भूख लागत है बैठे नहीं मैं हमारे बहुत ही सम्मानीय मुख्यमंत्री जी जी है कांकेर के ऊपर बड़ा कृपा रथे और हमारे मुख्यमंत्री जी भी बैठे है मोहम्मद अकबर जी है और हमारे मार्गदर्शक तो बैठे छे सलाहकार के रूप में और ओकर वजह से हमारे बढ़िया काम है कि ये जो काम हो थे बस्तर में मुख्यमंत्री जी मैं कहना चाहता हूँ जब पहली जंगल रही से ज्यादा तो बस रहा खुशहाल लीजिए पर जब से नौतोड़ आगे और जंगल न काट के हमन धान बोले शुरू करे वो दिन ले हमारे बस्तर के फोन शुरू हो गए तो अभी जो बैक टू नेचर वाला जो अपन हो इधर प्रकृति ला बचान और बस्तर में सुखाल बनान तो ये जो मैं बस्तर के संत ये में बहुत फायदा हुई काबर की धान से फायदा नहीं है अपर ऊपर नीचे जमीन खोद रहा है डिप रहा है तो में रात दिन मेहनत करके थोड़ा बहुत धान उगाते हैं पर ये जो जो योजना है ये ना अपन अच्छा ढंग से कर लें बस्तर फिर से समृद्ध हुई यही भावना के साथ में सारे बस्तर वाला मल्ला और आप लग मैं बहुत बधाई देता हूँ कि आप मन ये योजना जो हमारे बस्तर और सरगुजा जैसे जगह में जो भी जंगल फायदेमंद है जिन हमारे वनोपज फायदेमंद है मार्गदर्शन में हमारे क्षेत्र के चारमा के जीवन लाल जैन है पांच कर्मेंट में फल रात है पवाए है उमन घनश्याम जुड़ी है पलवा हमर भाचा है दो एक नाथ है वेद प्रकाश नाग है डेढ़ एकड़ में लगाते है चारमच के अभी तो हम कुल गांव वाला लगाए लगाए हैं तो समिति वाले एक एक जनकर के बात करा देंगे उस संबोधन मत करे सीधा बात करे का नाम दोगा अब बोला थे बोला मुख्यमंत्री भैया मोर नाम है जीवन लाल जैन मैं ग्राम के पहाड़ के निवासी हूँ और पांच एकड़ में मैं मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन राशि प्रोत्साहन योजना के तहत लगाना चाहता हूँ वृक्ष और पर्यावरण ला सुदृढ़ बनाए बार मैं प्रयास कर रहा हूँ और जैसे आपकी योजना है भैया बहुत बहुत अच्छा है और ये में का है हमार उर्वरक क्षमता बढ़ जाएगी और हमार जो पर्यावरण है वो सुदृढ़ हो जाएगी हमार आय बढ़ जाएगी
पर मैं एक चीज आप बोलना चाहता हूँ भैया, निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे 3 साल तक प्रोत्साहन जो देते हो बोले कम से कम 5 साल करते हो तो ज्यादा अच्छा होती। और अमर जो पौधा लगी वो कम से कम क्रॉपिंग पौधा हो ताकि हमला अधिक से अधिक जल्दी लाभ मिले, ऐसे फल मिले ताकि हम गांव में भी एक वो उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत हो सके और देश ला भी अच्छा से बनाए के प्रयास कर सके। बहुत बढ़िया सुझाव भैया, मैं आप कापे लगा देते हैं जय सर, कापे लगा दे सर जी। मैं हर कुछ इमारती लगवा हूँ सोचा था भैया, और उनमें फलदार है जैसे आम जाम कटहल मुनगा, जेकर से कंटिन्यू लाभ मिलते रहे और मोलक पैसा के कमी मत पड़े। और मैं आपका हमेशा धन्यवाद देत रहा हूँ और आप लोग मोर तरफ से भूपेश सरकार जिंदाबाद के नारा लगाते रहो। ठीक है, धन्यवाद भैया। जी जय साहब, धन्यवाद। प्रणाम सर। प्रणाम। कहा नाम बेटी तोरू? मैं कुलगांव से सर। जोर से बोल, कहा नाम है? समिति के सदस्य हूँ सर। नाम बता रहे हो? इंद्रवान मितान के अध्यक्ष हूँ और सुमति नेताम। सुमति नेताम, हाँ बताओ। सुमति नेताम जी, बताओ कतरे में पेड़ लगा रहा तुम्हें? जी अभी 2 एकड़ में लगाए हैं सर। 2 एकड़ में ग्राफ्टेड। हाँ, कहाँ पेड़ लगाया? जी 2 एकड़ में। हाँ। आम के, भिंडी के, आंवला है उसमें और जामुन है, कटहल है। बढ़िया है। और अभी आम के बगीचा में जो गांधी ग्राम बना रहे हैं ना सर। हाँ। उसमें आम के पहले से पेड़ है, उसमें का अभी हम लोग 8-9 हजार का बेचे हैं उसमें का आम। चलो बहुत बधाई। पहले से वन प्रबंधन समिति। अच्छा, लाख वगैरह की तैयारी करेगा? लाख के? जी जी कर रहे हैं सर तैयारी। हाँ, अब तो लाख से भी 30-35 हजार हुआ है। 30-35 हजार का हुआ है। हर प्रकार लाख कौन कौन प्रकार के होते तोरियां? लाख में कौन से है? कुसुम का होता है सर, फरसा। अच्छा, कुसुम फरसा का। कुसली लाख भी होता है, दोनों लाख है सर। जी जी। और बोईर के? बोईर के भी होता है सर। चलो ठीक है, बोईर कम है सर, लेकिन बोईर अभी ज्यादा नहीं हुआ है। चलो ठीक जी। दूसरा कौन होता है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप मला सादर जय जोहार, नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं पिछले साल तक धान की खेती करते रहे हूँ। मैं मुख्यत में इमारती लकड़ी और नाम लो पहले बता। वेद प्रकाश नाग चिनोरी से बोलता हूँ। अच्छा, नाग जी बताओ। वेद प्रकाश नाग। हाँ, वेद प्रकाश जी बताओ। हाँ महोदय। हाँ, मैं 2 एकड़ में फलदार और इमारती लकड़ी लगाऊं करके सोच रखे हूँ, लेकिन ये योजना में मुला एक टन कमी लगा थे। हाँ बताओ। वो ये है कि जैसे हमन तो पेड़ वृक्षारोपण कर ले वो, लेकिन थोड़ा संरक्षण में मुश्किल जाते उकरबा फेंसिंग तार वगैरह या फिर जो कटीले तार जो हम रून सकन खेत ला ओकर सुरक्षा बा वो, और ड्रिपिंग की व्यवस्था भी ओकर बा, मैं आप मन थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ। बाकी ये मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना आप मन जो लागू करे हो वो बहुत ही वो योजना से हम बहुत संतुष्ट हैं। ओकर बा मैं आप मन ला बधाई प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। टोटल मैं आप मन ला बोले नाग जी। हाँ महोदय। 2 एकड़। कुल जमीन 2 एकड़ है? कुल जमीन 4 एकड़ है, 4-5 एकड़। 4-5 एकड़। हाँ, हाँ। 5 एकड़ है महोदय जी, उसमें से। हाँ। पिछले साल तक धान लगाते रहे हूँ, लेकिन एक बार से मैं वृक्षारोपण करना चाहता हूँ। बहुत सुंदर। शासन के बहुत अकन योजना है, जैसे तार घेरा वगैरह कहा था तो योजना के लाभ लो। वो वहाँ कलेक्टर साहब भी हुई, DFO साहब हुई, उन्होंने बताई योजना के लाभ लो। जनप्रतिनिधि बेटे हमारे
विधानसभा के उपाध्यक्ष है, सांसद है, संसदीय सचिव, सब जन बैठे है, तक लो देखा रहे मैं तो सब जन लोग मेरे जानकारी है और फेंसिंग पर भी बहुत अमन ओकर लाभ देता है, वो योजना के लाभ लाओ है ना, तो सब योजना बहुत अकन योजना है ओकर लाभ तुम लाओ आओ, अधिकारी मन बैठे बताई, जनप्रतिनिधि मन बैठे तेन बताई, बहुत बधाई आप ला जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद जी माननीय मुख्यमंत्री जी, थैंक यू सेवा जोहर सर, नमस्कार।